पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत को मिला 290 करोड़ का रक्षा सौदा, रूस पोलैंड को पछाड़ा पीछे। हथियार लाइसेंस फर्जीवाड़े के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बदले जा रहे हैं चौक चौराहों के नाम, चौराहों पर जम्मू नगर निगम ने लगाए बोर्ड। और 7 महीने देर रात मोबाइल पर 4G इंटरनेट के दर्शन, उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़ते हुए आर्मेनिया के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा करने में सफलता हासिल की है। इस करार के जरिए भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा निर्मित $4 करोड़ यानी कि करीब 290 करोड़ के हथियार आर्मेनिया को बेचेगा। सूत्रों के मुताबिक सौदे में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम शामिल है। इन हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए आर्मेनिया को रूस और पोलैंड ने भी ऑफर किया था। दोनों देशों ने ट्रायल का भी आयोजन किया, लेकिन आर्मेनिया ने भारत द्वारा बनाए गए सिस्टम पर भरोसा जताया और डील फाइनल की। फर्जी कागजातों और बिना वेरिफिकेशन के हथियारों के लाइसेंस बांटने के आरोप में सीबीआई ने दो पूर्व जिलाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से एक 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। राजीव 2015 से 2016 के बीच कुपवाड़ा जिलाधिकारी रहे हैं, जबकि दूसरा गिरफ्तार आईएएस अधिकारी का नाम इतरित हुसैन रफी की है। रफी की 2013 से 2015 के बीच कुपवाड़ा जिला के अधिकारी रह चुके हैं। शहर का प्रसिद्ध सिटी चौक अब भारत माता चौक के नाम से जाना जाएगा। सर्कुलर रोड का नाम भी बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है। इन चौराहों पर रविवार को कल बोर्ड लगा दिए गए हैं। जल्द कुछ और चौराहों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। नगर निगम की जनरल हाउस की एक बैठक में 2 दिन पहले ही तवी नदी पर बने चौथे पुल के नजदीक भगवती नगर चौक का नाम बदलकर बाबा अमरनाथ जी चौक रखने का फैसला लिया गया है। कच्ची छावनी चौक का भी रंग रूप बदलने वाला है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8.5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा के निर्देश पर इन चौराहों पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। लगभग 7 महीने बाद जम्मू के कुछ हिस्सों में रविवार यानी कि कल आधी रात एक निजी कंपनी के मोबाइल पर 4G इंटरनेट सेवा शुरू होने से उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। आधी रात 12:30 बजे लोगों के फोन पर व्हाट्सएप पर तेजी से बड़ी संख्या में संदेश आने शुरू हो गए। पहले तो लोग असमंजस में रहे, लेकिन रात को ही लोग एक दूसरे को निजी कंपनी की सेवा शुरू होने की जानकारी देने लगे। सबसे अधिक लाभ विद्यार्थी वर्ग ने उठाया जिनकी परीक्षाएं चल रही है। रात होने के कारण किसी मोबाइल कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी इस पर अपनी राय नहीं दी है। इसके अलावा ना ही प्रशासन ने 4G शुरू करने की कोई जानकारी दी है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसके प्रधान सुनील डिंपल ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस बजट के पेश होने से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के सारे लोगों की मांग है। अपनी मांगों को लेकर आज NYC के सदस्यों ने प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार से मांग की कि जो NYC सदस्य अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए हैं उन्हें जल्द से जल्द एडजस्ट किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। 3 साल से क्या है, हमारी फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जहाँ जाते हैं वो आगे से यही बोलते हैं सेक्रेट वाले कि बाद में आओ, ऐसे करो, 2500 का क्या करोगे, जो आगे लगे वही तो 2500 ले रहे हैं ना। अब ये आर्टिकल जो टूटा, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सिंपल सी बात है कि हमारा मसला ये है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द ये मसला शॉर्ट आउट हो जाए। वो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे, कल कुछ ऐसा कुछ होगा वो गवर्नमेंट खुद जिम्मेवार होगी। अपनी मांगों को लेकर खिदमत सेंटर संचालकों ने जम्मू में सरकार के खिलाफ आज अर्ध नंग होकर प्रदर्शन किया और सरकार से पुरजोर अपील की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी दौरान खिदमत सेंटर संचालकों ने इंदिरा चौक से सेक्रेटरी की तरफ जाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया।
उनको ये बात बताना चाहते हैं, अगर खदमत सेंटर्स के मसले के लिए एक प्लान बना दिए, इसके लिए रिकमेंडेशन कमेटी क्यों नहीं बिठा दी गई? कोई कमेटी, हमारे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हमारी ऐसी हालत है, 70 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हमारे बच्चों के लिए एडमिशन फीस ही नहीं है। मैंने एज अ प्रेजिडेंट कलेक्ट किया, एक भाई को हमने एडमिशन फीस यहाँ दिया बच्चों के लिए। हमारा और एक भाई जिसका लास्ट स्टेज कैंसर चल रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसकी 3 बच्चियाँ हैं, वो कहाँ जाएगा? उसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे? जम्मू के कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत ट्रैफिक नाकों पर हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की गई और जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए उनकी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। मिलिट्री फॉर्म बेली चराना ने गायों को मणिपुर शिफ्ट किए जाने के मामले को लेकर शिवसेना बाला साहिब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया और इसे मोटर व्हीकल एक्ट का सरासर उल्लंघन करार दिया और उपराज्यपाल से अपील की कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि गायों की बर्बरतापूर्ण तरीके से गाड़ियों में भर भर कर इतनी दूर भेजा जा रहा है, जो कि गायों पर बड़ा अत्याचार है। और कोई इनके पास उस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं थी रास्ते में, किसी तरह का उनके पास खान पीन का अरेंजमेंट नहीं था। तो ये हमारी सरकार से बिल्कुल गुहार है और अपील भी है और चेतावनी भी है शिवसेना की कि शिवसेना इन गायों को यहाँ से लोड होकर जम्मू कश्मीर की सीमा पार नहीं करने देगी। हमने अपने तमाम इकाइयों को वहाँ पर सतर्क कर दिया है, सांबा के अंदर भी, कठुआ के अंदर भी, कि पशुधन के साथ ये जो बर्बरतापूर्ण रवैया है ये अब सहन नहीं किया जाए। बीजेपी जम्मू जिला पश्चिम की तरफ से अपनी टीम गठित करने के बाद जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी जम्मू वेस्ट के प्रधान मुनीश खजूरिया ने की। कार्यक्रम में टीम के सदस्यों का आपस में परिचय कराया गया और इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि आने वाले दिनों में सबको मिलकर काम कैसे करना है। नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यूनियन ने यूटी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में बिजली का निजीकरण करने के फैसले का विरोध किया। साथ ही सरकार से अपील की कि उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। यूनियन का कहना था कि अगर 31 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे जम्मू में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पे काम करने वाले लोग हैं उनकी इमीडिएट प्रमोशन भी वागुजार की जाए और महकमा एक इंजीनियरिंग टेक्निकल हैसियत रखता है, महकमा को महकमाना हैसियत बरकरार रखने की ज़रूरत है। मैं वक्त की सरकार से आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर 1 महीने के अंदर हमारी इन सारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देगी और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वक्त की सरकार और पावर इंतजाम। पार्टी ज्वाइनिंग के सिलसिले में प्रदेश बीजेपी की तरफ से पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढर क्षेत्र से आए सरपंचों व पंचों ने पार्टी के नियमों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी में शामिल हुए, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता व संगठन मंत्री अशोक कोल ने हार पहनाकर पार्टी में आने का स्वागत किया। अब मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, आज वक्त आता रहेगा मैं बताता रहूंगा कि कैसे करना है, कैसे काम होते हैं। ठीक है, ये 2 जिले रजौरी पुंछ के जो 2 जिले 7 सीटें जो है इंशाल्लाह ये बीजेपी की है, इंशाल्लाह। और हमारे भाई हैं, ये मेरे साथी हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत को मिला 290 करोड़ का रक्षा सौदा, रूस पोलैंड को पछाड़ा पीछे। हथियार लाइसेंस फर्जीवाड़े के आरोप में 2 IAS अधिकारियों को CBI ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बदले जा रहे हैं चौक चौराहों के नाम, चौराहों पर जम्मू नगर निगम ने लगाए बोर्ड। और 7 महीने देर रात मोबाइल पर 4G इंटरनेट के दर्शन, उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही, मुझे मीटिंग को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।